देखो यहाँ पे एकदम सुनसान है, रात में तो आना भी मत। अरे ले 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 ले। अरे गड़बड़ी मत करी, जानवर बड़ा जाली। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ आवर राजस्थान ट्रिप। जोधपुर से अपने होटल में ब्रेकफास्ट करके हमने चेकआउट कर दिया है और अब हम जा रहे हैं जैसलमेर की तरफ, सैम सैंड ड्यून्स में, जहाँ पर हमारा अगला स्टे बुक्ड है। रास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छी वाइड सड़कें हैं, ट्रैफिक कोई खास है नहीं, मज़ा आ रहा है जाने में। इनोवा कार हमने बुक करी हुई है, उस कार को लेकर हम जा रहे हैं और मैं आपको रास्ते में क्या क्या है वो दिखाता चलूँगा, तो कीप वॉचिंग। जोधपुर से जैसलमेर के रास्ते में कुछ इस तरह के रेत के टीले हमको दिखते रहते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। लगभग 3 घंटे की जर्नी हम अपनी कैब में कर रहे हैं टुवर्ड्स जैसलमेर और यहाँ बीच रास्ते में लंच के लिए एक जगह रुके हैं। इसका नाम है ये मरुधरा होटल एंड रेस्टोरेंट। जो हमारे कैब के ड्राइवर साहब हैं उन्होंने बताया काफ़ी अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट रहता है, साफ़ सुथरा है, तो इसलिए हम यहाँ रुके हैं। कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, लंच कर लेते हैं हल्का फुल्का और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे वापस जैसलमेर की तरफ। अगर मैं आपको दिखाऊँ इधर इस तरफ रोड पे, यहाँ इस साइड जिधर से हम आ रहे हैं इस तरफ जोधपुर है और अगर इधर टर्न कर ले इस साइड अगर आगे जाएंगे तो जैसलमेर आएगा। लैंडस्केप काफ़ी चेंज हो चुका है, अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अब बंजर टाइप की भूमि दिखाई दे रही है, ज़मीन दिखाई दे रही है और बीच बीच में काफ़ी सारे सैंड ड्यून्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी इस लोकेशन पर नहीं है सैंड ड्यून्स, बट बीच बीच में काफ़ी सैंड ड्यून्स थे ऐसा बताया जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे और ज़्यादा सैंड ड्यून्स आते रहेंगे और लैंडस्केप काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है और मैं यहाँ पर हूँ आपको ये सब दिखाने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, लंच करते हैं और वापस चलते हैं अपनी जर्नी पर आगे। हेलो, हम लोग जोधपुर से जैसलमेर जा रहे हैं और ये मेरे पीछे एक शैतान बच्चा भाग रहा है और यहाँ पे हम अपनी कार से रुके हैं अभी कुछ खाने पीने के लिए और हमने रास्ते में बहुत मस्ती करी, बहुत कुछ हंसी मजाक, बैठे बैठे बहुत ज्यादा थक भी गए थे हम और पैर भी दर्द होने लगे बैठे बैठे सही में। और देखो यहाँ पे एकदम सुनसान है, रात में तो आना भी मत। हाय वेलकम बैक, सो लंच कर लिया है और पोखरण में किया है ऑन वे टू जैसलमेर समवेयर और ये मरुधारा होटल करके रेस्टोरेंट है। खाना टेस्टी था, अच्छा था और ओवरऑल बढ़िया है। आप अगर यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का खाना आपको सही रेट में देखने को खाने को मिल सकता है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, ऑसम फूड। क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी प्रवाल? पनीर वॉज वेरी डिलीशियस, दाल वॉज ऑल्सो और कढ़ी यहाँ की बहुत ही अच्छी लगी हमको। कौन सी कढ़ी थी? मारवाड़ी कढ़ी। मारवाड़ी कढ़ी, मारवाड़ी कढ़ी वॉज सिंपली सुपर, मज़ा आ गया उसे खा के। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या रास्ते में। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं, तो शायद वो कुछ इन्हीं तरह के रास्तों की बातें करते होंगे। जैसलमेर से सम सैंड ड्यून्स के रास्ते में हमको जगह जगह इस तरह की विंडमिल्स दिखाई देती हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। Now it is time to check into Chowki Dhani Desert Camp in Sam Sand Dunes. राम राम जी, धन्यवाद, थैंक यू। Chowki Dhani Desert Camp में चेक-इन करने के बाद हमारा स्वागत किया गया जलजीरा पानी और चाय और बहुत ही गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ।
तो फाइनली पहुंच गए हैं चौकी धानी डेजर्ट कैंप। अंधेरा हो चुका ऑलरेडी, इट इज़ ऑलरेडी लेट, काफ़ी टाइम लग गया हमको यहाँ पहुंचने में क्योंकि बच्चे थे साथ में, रुकते रुकाते आए हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि रूम कैसा है, एक्चुअली कॉटेज कैसी है हमारी, कॉटेज भी नहीं है एक्चुअली, टेंट कैसा है हमारा, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। चलिए, टेंट के बाहर बैठने के लिए एक छोटी सी बालकनी भी दी गई है जहाँ बैठकर आप चाय ले सकते हैं और बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर एक मॉस्किटो नेट भी लगाया गया है ताकि आपका मच्छरों से बचाव हो सके। टेंट मेरे को यहाँ पर काफी स्पेशियस लगा, जिसमें कि एसी की भी सुविधा दी गई है, जिसकी हालांकि हमें इस सीजन में जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे टाइम में आते हैं जब आपको एसी की जरूरत हो तो यहाँ पर आप बेहिचक उसको यूज कर सकते हैं। बाथरूम्स में गर्म पानी की भी सुविधा दी गई है जो कि इस सीजन में हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी लग रही है। नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द कल्चरल प्रोग्राम्स इन चौकी धानी डेजर्ट कैंप। राजस्थान के इन डांस आर्टिस्ट की इस परफॉर्मेंस के लिए कुछ तालियां तो जरूर ही बनती हैं। काफी सारे शानदार परफॉर्मेंसेस के बाद अब टाइम है मैजिक शो का। हाथ मेरा खाली है, सभी सब लोग ध्यान लगाना, ठीक है ना? हाथ खाली है, जादू का छोटा सा फ्लू, जादू का डंडा, ओके, जादू का डंडा, हाथ मेरा खाली है, सभी सब लोग ध्यान लगाना, हाथ खाली, जादू का डंडा, जमीन पे हाथ पे लगाया, जमीन पे और हाथ पे लगाया, मट्टी उठाया, लेकर आओ, आओ राइटर, एक सिक्का बनाया, मजा नहीं आया, मैडम जी हाथ में लेंगे, चेक करके रिटर्न करना, रख मत लेना, लीजिए हाथ में लीजिए, देखिए कितना रुपया है, ध्यान लगाना सभी सात लोग, अरे कलाकारी देखना कितना डबल है, लुक सी ऑन एवरीवन, मेरे पास में जादू का दो कटोरी, ध्यान लगाइएगा, मैम कितना सिक्का दे दीजिए, एक एक सिक्का, मैम हेयर देखा कितने हेयर का है, नहीं देखा, अरे मैडम जी ने साल ही नहीं देखा, लीजिए मैम आप साल देखिए, लो सर चेक करके रिटर्न करना, रख मत लेना सर, क्योंकि पूरे ग्रुप में आप ही शरीफ सर दिखे हैं मेरे को, है ना, लीजिए हाथ में लो, सिक्का चेक करो और यहाँ बीच में फेंको, ध्यान लगाना सभी साहब लोग, एक सिक्का दिया है, 11 सिक्के गिरेंगे सर, फूंक लगा के फेंक दो, ध्यान लगाना सर सभी साहब लोग, फेंक दी, ऐसे गरीब आदमी के साथ मजाक नहीं करते सर, कॉइन्स गिव मी कॉइन दो सिक्का, सर आपको कितना दिया था, मैम आपको कितना दिया, देखो मेरे गवाह यही है, प्लीज कॉइन गिव मी, देख रहे हो सर, सर को सिक्का दिया, सर मुझे गोली दे रहे, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, देखिएगा बंद करा था एक और उगाड़ के देखते हैं कैसा जोड़ा बच्चा, टोकरी सिंगल है डबल नहीं, कम ऑन सिडोन ऑफिस में मैंने इन्हें इंग्लिश पढ़ाए थे लेकिन ये 11वीं में फेल हो गए सर, इनको यहाँ ध्यान लगाना। अभी हम चौकी धाणी में हैं और मेरे साथ हैं यहाँ पर मैजिशियन इमरान, जिन्होंने यहाँ पर बहुत बढ़िया अभी मैजिक शो किया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, इवन हमने भी बहुत एंजॉय किया। सो आइए इमरान जी से पूछते हैं कि वो कब से ये काम कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पे काम करते हैं, और किस किस तरह के इवेंट्स में ये जा सकते हैं, ताकि अगर आपको इनकी कोई सेवाएं लेनी हो तो आप ले सके, और इनका नंबर लेके मैं अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो वहाँ से ले सकते हैं। इमरान जी बताइए अपने बारे में कुछ। मैं सर भाई ये 8 साल की उम्र से था जब से मैजिक शो करने लग गया, मैंने इसके चक्कर में पढ़ाई लिखाई भी की नहीं, तो मैं मैजिक शो करने लग गया, और मैजिक शो करते करते जैसे कोई सर मिल गए तो उन्होंने शादी में बुला लिया, इवेंट में बुला लिया, पार्टी में बुला लिया, बर्थडे पार्टी में बुला लिया, वहाँ जाने लग गया, फिर 2-3 बार मैं बाहर भी गया, आउट ऑफ कंट्री, पेरिस गया, पुर्तगाल गया, और यहाँ साउथ फ्लोरिडा गया, मेरा पासपोर्ट भी है, वीजा भी लगा। अरे वाह बहुत बढ़िया, इंटरनेशनल मैजिशियन के साथ खड़ा हूँ मैं, अभी प्रिविलेज टू बी लाइक अभी मेरे ब्रदर है जो अभी हुनर बाज चैनल में गए हुए हैं, अभी वो हुनर बाज टीवी शो में, हाँ हुनर बाज टीवी शो में, वो भी मैजिशियन है जी सर, वो मेरे उनका क्या नाम है, उनका नाम इरफान खान है। तो डेफिनेटली अगर आप हुनरबाज देखते हैं कलर्स पे आता है शायद ना, तो कलर्स पे आप उनको इनके ब्रदर को भी देख सकते हैं, दोनों भाइयों की जोड़ी माशा अल्लाह बहुत ही बढ़िया करते हैं, ट्विन में लगते हैं सर जुड़वा अभी वो आएंगे देखना बिल्कुल बिल्कुल। और
आप ये जो मैजिक शो करते हो आप यहीं जैसलमेर में यहीं पे करते हो या नहीं? जैसलमेर में भी जाते हो? जैसलमेर में करते हैं, जो कोई बुला लेता है तो वहाँ चले जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, गुड वर्क और कीप इट अप, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, आगे भी करो। और इस पपेट शो ने तो हम सबका दिल ही जीत लिया। लोकल आर्टिस्ट्स का कमाल का शानदार परफॉर्मेंस देखने के बाद अब टाइम था डिनर करने का। रात हो गई है, अब आ गया खाना खाने के लिए चौकी डानी डेजर्ट कैंप के अंदर, के रेस्टोरेंट के अंदर, और एकदम ट्रेडिशनल खाना, राजस्थानी खाना। आप देख सकते हैं थाली कितनी बढ़िया है। ये दाल यहाँ पर हमको मिली है, दाल साथ में है बाटी और चूरमा जो कि राजस्थान की स्पेशलिटी है, ये ट्राई करेंगे। बाकी यहाँ की मारवाड़ी कढ़ी जो कि हमने दिन में भी खाई थी दोपहर को लंच के टाइम पे, और फिर से बहुत स्वाद है, और पनीर की सब्जी रोटी, और इसके अलावा कुछ मिठाइयाँ भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, तो डिनर करके उनकी तरफ चलेंगे। चलिए खाना खा लेते हैं। और कुछ इस तरह से खत्म होता है जैसलमेर में हमारा पहला दिन सम सैंड ड्यून्स में। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सम सैंड ड्यून्स में होने वाला शानदार सनराइज। उसके बाद हम चलेंगे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, बॉर्डर पोस्ट नंबर 609 तक जाएंगे, और वहीं से लौटते हुए देखेंगे लोंगेवाला पोस्ट जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, बॉर्डर मूवी वाले सीन्स जहाँ पर शूट किए गए थे, और तनोट माता टेम्पल के दर्शन भी करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग अगला वीडियो होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।